हाय गाइस, वेलकम टू माय घरेलू नुस्खे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी घुटने में दर्द के घरेलू उपाय और कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी होगी। यदि आप भी घुटने के दर्द से पीड़ित है, आपको असहनीय दर्द सहना पड़ता है जब आपके घुटने में दर्द हो जाता है, तो उसके लिए आपको करना होगा ये उपाय। 5 अरंडी के पत्ते लेकर के उनके दोनों तरफ तेल लगा करके उसके बाद आपने हल्के तवे पर गर्म कर लेने हैं और उन को आपने घुटने पर बांध लेना है, उसके ऊपर पट्टी बांध ली। ऐसा रात को सोने से पहले करें और पूरी रात बंधा रहने दें। इससे आपको बेहद जल्दी आराम होगा और घुटने का दर्द धीरे धीरे कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। उपाय नंबर 2, आपने लेना है सरसों का तेल 2 चम्मच, उसमें डालना है 1 कपूर और 1 कली लहसुन की। अब इसे आपने पका लेना है। पकाने के बाद जब ये गुनगुना हो जाए, ठंडा हो जाए, उससे आप ने घुटने पर मालिश करनी है। इससे भी आपको कुछ ही दिनों में आराम हो जाएगा और धीरे धीरे आपका घुटनों का दर्द बंद हो जाएगा। सावधानियां, आपने अगर आप सीढ़ियां चढ़ने पड़ती है तो उन्हें कम कर दीजिएगा या फिर बंद ही कर दीजिएगा जब तक आपका घुटने का दर्द समाप्त नहीं हो जाता है। सीढ़ियां ना चढ़े और भारी वजन के काम ना करे, अधिक बैठ करके ज्यादा देर अधिक ना बैठे और ज्यादा देर बैठे ना रहे। यदि कोई काम आपका बैठने का ही है तो उस पर कुर्सी पर या फिर बेंच पर ही बैठे, नीचे ना बैठे। इन उपायों और सावधानियों को बरत के आपका घुटने का दर्द जल्द ही ठीक होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। यदि आपने ये उपाय किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको आराम हुआ है या नहीं।